नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता सेवा एक्सप्रेस। सफाई कर्मियों की हड़ताल हुई खत्म, अब शाहगढ़ में नहीं दिखेगा कचरा। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस संगठन के नेतृत्व में समूचे प्रदेश में सफाई कर्मी हड़ताल पर सिर्फ एक ही दिन रह पाए। मुख्यमंत्री निवास पर शिवराज सिंह चौहान से संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मगन झाजोट एवं प्रदेश महामंत्री सतीश बाबू चौहान सहित प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात में हड़ताल खत्म करते हुए 18 सूत्री मांगों के लिए सहमति बन हड़ताल खत्म हुई। आज 2 जुलाई से सफाई मित्र अपने काम पर वापस लौटे। वहीं शाहगढ़ के सफाई मित्रों ने भी हड़ताल पर समर्थन में सभी का आभार व्यक्त किया। वहीं जनप्रतिनिधियों ने काम वापसी पर उनका मुँह मीठा कराकर स्वागत किया। सरकार ने मांगे मान ली हैं और सब लोगों का सहयोग रहेगा, नगरवासियों को अध्यक्ष जी का और हमारे सीएमओ साहब का और सब आप लोग पत्रकारजनों का, और हम सबका सहयोग से हमारी मतलब कामयाबी मिली हम लोगों को और हम लोग अपनी हड़ताल ख़त्म करते हैं, अपने सब काम पर वापस। आज से काम चालू हो जाएगा? आज से काम चालू कर जो सफाई कामगारों के द्वारा प्रदेशव्यापी हड़ताल की जा रही थी, आज मौके पर आकर के हम सभी ने उनसे बात की और सरकार के द्वारा उनके जो मांगे थी उचित मांगे, उन मांगों को लगभग सरकार के द्वारा पूरा किया जा रहा है और आज से हमारे जो सफाई कर्मचारी बंधु हैं, सफाई कामगार सभी सफाई के लिए लौटेंगे, इसलिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। हमारे सफाई मजदूर कांग्रेस के तत्वाधान में सफाई कर्मचारी 18 सूत्री मांगों के समर्थन पर हड़ताल में गए थे और कल सरकार की और इनके संगठन की बातचीत हुई जो सकारात्मक रही। सरकार ने सभी मांगों पर गंभीरता से विचार किया है और अगली कैबिनेट में इसको पूरा करने का आश्वासन भी हमारे संगठन को दिया है। निश्चित रूप से हमारे नगर की आम जनता ने इसमें बहुत बड़ा सहयोग किया है और किसी तरह की कोई समस्या नहीं आने दी। इसके लिए हम पूरी नगर की जनता, अपने कर्मचारी और सभी मीडिया के हमारे साथियों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने बहुत बहुत हमें सहयोग किया है, इसके लिए वो सभी आभारी, हम सबके आभारी।